दोस्तों आधार कार्ड का एक नया पोर्टल लॉन्च हो गया है जहां से अब आप आसानी से ऑनलाइन ही अपने आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, अपना नाम चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो या फिर कोई और बदलाव करना हुआ तो अभी कर सकते हो। साथ ही साथ अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, PVC आधार कार्ड मंगा सकते हो, मतलब की सारी फैसिलिटी दोस्तों इस पोर्टल में डाल दी गई है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको इसी पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ, कंप्लीट प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपको अपने आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करना है तो यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये है आधार कार्ड का नया पोर्टल। इस पोर्टल से आप अपने आधार कार्ड में जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हो। अब इस पोर्टल का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर गूगल पे आप डायरेक्टली सर्च करोगे UIDAI तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और ये जो कैप्चा है उसे यहाँ पे फिलअप करना है। फिर सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना उस पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे इस पोर्टल में, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये जो प्रोफाइल दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करते ही ना आपका जो आधार कार्ड है वो आपके सामने ओपन होके आ जाता है। इसे यहाँ से आप फ्लिप करके भी देख सकते हो, बैक साइड का आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रंट एंड बैक दोनों आप यहाँ से आधार कार्ड देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है डाउनलोड आधार, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दोस्तों आपका फोटो आ जाएगा, उसके साथ साथ नेम एंड एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ऑथर आधार PVC कार्ड, तो इसके ऊपर जिसे आप क्लिक करोगे आप अपना PVC आधार कार्ड जो है ऑर्डर कर सकते हो। बस उसके लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना है, उसके बाद दोस्तों बस आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड 10 से 15 दिन के अंदर आपका PVC आधार कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो काफी इजी तरीके से आप यहां से अपना जो है PVC आधार कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पे आता है अपडेट आधार ऑनलाइन, ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, यहां पे आप क्या-क्या अपडेट करोगे। उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको और बता देता हूं। यहां पे दोस्तों आप अपना बैंक लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हो, आपका आधार कार्ड कौन से बैंक से लिंक है वो आप यहां से चेक कर सकते हो। उसके साथ यहां पे जनरेट वर्चुअल आईडी दिया गया है, अगर आपका वर्चुअल आईडी जनरेट करना है तो यहां से कर सकते हो। अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, और यहां पे लॉक अनलॉक आधार दिया गया है, यहां पे ऑफलाइन EKYC दिया गया है एंड यहां से आपको पेमेंट हिस्ट्री, जो भी आप पेमेंट करते हो उसकी हिस्ट्री आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आधार अपडेट के बारे में। जहां दोस्तों यहीं से आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कर सकते हो, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, सब कुछ। तो बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पे दोस्तों आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहां पे आपसे पूछा जाता है आप क्या अपडेट करना चाहते हो, नाम अपडेट करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हो, जेंडर अपडेट करना चाहते हो या फिर एड्रेस। यहां पे सभी चीजें दी गई है, लैंग्वेज भी दिया गया है, जो भी आप अपडेट करना चाहते हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल, हम अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसे चेंज करना चाहते हैं, वो गलत हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहां पे आपका करंट जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा। अब आपको यहां पे नीचे दिया गया है आपको यहां पे अपना जो न्यू डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं अपना न्यू डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए प्रॉपर यहां पे कैलेंडर आ गया है, यहां से आप अपना जो ईयर है उसे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे कि हमने ये डेट डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट, आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट में आप क्या दे सकते हो वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जिसमें आप पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, पेंशन पेमेंट दे सकते हो, साथ में यहाँ पे फोटो आईडी दे सकते हो एंड यहाँ पे मतलब कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेके हर एक चीज का यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा ना तो उससे काम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास पैन कार्ड है तो बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यहां पे ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, बस आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसे आपको यहां पे अपलोड करना है, ठीक है। आप अपनी गैलरी में जाओ या फिर यहां पे डायरेक्टली पिक्चर मींस क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो हमने एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, उसके बाद बस आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहां पे आपको ओके करना है
एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप आ जाओगे इस वाली पेज पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो न्यू डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब आपको ये जो टर्म्स है उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे अब यहाँ पे दोस्तों आप पेमेंट पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि 50 रुपीज का आपको पेमेंट करना है, तभी जाके आपका ये जो अपडेट है वो कंप्लीट होगा। मतलब कि कोई भी अपडेट आप कराना चाहो, वो चाहे नाम में हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, सभी में दोस्तों 50 रुपीज का आपको चार्ज लगता है। तो यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हो तो 50 रुपीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर आप जाओगे तो आप दोस्तों UPI से या फिर जो भी आप मतलब कि यूज करते हो ना, वॉलेट, नेट बैंकिंग, यहाँ पे पेटीएम सब कुछ दिया गया है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप बड़े इजी तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करते दोस्तों आपका बोल सकते हो ना 1 हफ्ते के अंदर ये अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, आपका नया डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाएगा। उसके कुछ दिन बाद दोस्तों आपको बोल सकता हूँ नया आधार कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप नेम भी चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे जो जो चीजें दी गई है ना उसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बस इन सब चीजों को चेंज करने के लिए आपको 50 रुपीज का पेमेंट देना होगा एंड एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इस नए पोर्टल से आप कुछ भी अपने आधार कार्ड में चेंजेस कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।